नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में एक बार फिर कैप्टन अभिमन्यु को विधानसभा चुनाव के लिए अहम दायित्व दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2017 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान कैप्टन अभिमन्यु अपनी सांगठनिक प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। सितंबर महीने में हो रही लगातार बरसात ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस समय बाजरा, ग्वार व कपास की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन बरसात के चलते यह फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में किसान भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम साफ हो जाए, ताकि वे अपनी फसल सही से निकाल कर घर ले जा सकें। पहले मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक बरसात की संभावना जताई थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम फिर से बन गया है, जिससे 16, 17 व 18 सितंबर को फिर से बरसात होने की संभावना बन गई है। ऐसे में अभी किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश भर के महाविद्यालयों में यूजी कोर्स में दाखिले को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट को अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि पहली मेरिट लिस्ट को रद्द किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। बावजूद इसके, जिन छात्रों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया था और वो फीस भरने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दोबारा से लगने वाली मेरिट लिस्ट के अनुसार ही छात्र अपनी फीस भर सकेंगे। हरियाणा में HES के 155 पदों के लिए 74,978 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। 1,48,262 ने किया था आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HES यानी कार्यकारी शाखा MLIT के 155 पदों के लिए 13 जिलों में बनाए गए 535 परीक्षा केंद्रों में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक, शांतिपूर्ण, नकल रहित और निष्पक्ष ढंग से किया गया। धारवाड़ा नपा चुनाव विवाद अपडेट्स। एक मंच पर आए सभी विरोधी हाईकोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति। चेयरमैन पद के लिए 12 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से 24 घंटे पहले हाईकोर्ट ने पलट दिया था निर्वाचन आयोग का आदेश। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कौर सिंह के सिर पर ताज सज पाता है, तथा विरोधियों की सक्रियता को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं। हरियाणा के गांव में शहरों जैसे मॉडर्न रिटेल स्टोर हरहित 2 अक्टूबर 2021 को खुलने जा रहे हैं, जिसको प्रदेश के युवा उद्यमियों ने बेहद सराहा है। यही नतीजा है कि 2 अगस्त को लॉन्च हुई इस योजना के मात्र 30 दिन में हरहित रिटेल स्टोर की फ्रेंचाइजी पाने के लिए 1100 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से फ्रेंचाइजी पॉलिसी के तहत 95% आवेदन योग्य पाए गए हैं। इसके बाद योग्य आवेदनों के 80% साइट सर्वे हो चुके हैं। स्टोर साइट सर्वे होने के बाद जो साइट दुकान के लिए तैयार है, उनकी अलॉटमेंट कर दी गई है। अन्य को साइट में कुछ बुनियादी सुधार के लिए कहा गया है। जिला महेंद्रगढ़ ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। नारनौल शहर में 14 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें से 3 स्मारक सेंट्रल पुरातत्व विभाग और 11 स्मारक हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्मारक बीरबल का छत्ता व मिर्जा अली जी की बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए बजट मंजूर किया गया है। यह दावा प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने किया है। राज्य मंत्री के मुताबिक इन दोनों स्मारकों पर लगभग 3-3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य मंत्री ने बताया कि नारनौल शहर के अस्तित्व को देश के मानचित्र पर अंकित करने के लिए बीरबल के छत्ते के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बीरबल की नगरी नारनौल के ऐतिहासिक शहर के अस्तित्व को बरकरार रखा जाएगा। मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 15 व 16 सितंबर को झज्जर शहर के राजकीय विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में जिले के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 6ठी कक्षा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। DC श्यामलाल पूनिया ने बताया कि मेले में विभिन्न साइकिल विक्रेता मूल्य सूची के साथ अपनी अपनी साइकिलों का प्रदर्शन करेंगे। योजना के अनुसार विद्यार्थियों को 20 व 22 इंच की साइकिल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल पसंद करने के उपरांत 20 इंच की साइकिल के लिए 2800 रुपए तथा 22 इंच की साइकिल के लिए 3000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला के शिक्षा विभाग को 5 लाख रुपए का बजट मिल चुका है।
स्कूली छात्रों को अब स्कूल में ही पीने के लिए वीटा का दूध उपलब्ध होगा। हरियाणा डेयरी विकास की ओर से राज्य के ऐसे माध्यमिक स्कूलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जहां वीटा मिल्क बूथ खोले जाएंगे। इन चयनित माध्यमिक स्कूलों में वीटा के बूथ खोलने संबंधी पौष्टिक आहार की इस परियोजना के लिए निर्देशक शिक्षा विद्यालय स्कूल हरियाणा की ओर से राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। प्रधानाचार्य को विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से विद्यालय के मुख्य द्वार के निकट बूथ के लिए जगह चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। जरूरी कार्रवाई के बाद इसकी सूचना हरियाणा डेयरी विकास संघ के मुख्यालय को भेजनी है। असल में छात्रों को पौष्टिक दूध उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा हुआ था, अब इस योजना को धरातल पर ले आई है। कॉलेजों के बाद अब आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 16 सितंबर से दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए 16 सितंबर को पोर्टल खोल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा व CBSE ने परीक्षा परिणाम जारी किया है, ऐसे में आईटीआई में दाखिला लेने के लिए ज्यादा होड़ मच सकती है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। चौंकाया इसलिए क्योंकि पहली बार विधायक बने पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में एक बार भी सामने नहीं आया था। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा का तहे दिल से आभार जताता हूं। विकास के जो काम बाकी हैं उन्हें बिना रुके आगे बढ़ाएंगे। हम संगठन को लेकर साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से भी मिले। पश्चिम एशियाई देश लेबनान में इस वक्त भीषण संकट है। पानी 8 तो खाना 6 गुना महंगा हो गया है। खाने के सामान से लेकर डीजल, पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए लोगों को 4 से 6 घंटे तक कतार में लगना पड़ रहा है। एक साल पहले तक जो ब्रेड 1000 लेबनान पाउंड करीब 48 रुपए में मिलती थी, अब वह 6000 लेबनान पाउंड करीब 288 रुपए में मिल रही है। सरकारी सप्लाई वाली बिजली 24 घंटे में 1 घंटे ही आ रही है। दफ्तरों का कामकाज 1/3 हो पा रहा है। कोरोना के बीच स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। यह स्थिति 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही है। इन सबके बीच गुरुवार को लेबनान में नजीब मिकाती नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वह देश के सबसे अमीर इंसान हैं। 1 लीटर पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगभग 300 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश की 78% आबादी गरीबी का सामना कर रही है। इस संकट से अराजक हालात बनने की शुरुआत हो सकती है। लोग जीवित रहने के लिए छीना झपटी और हाथापाई पर उतर सकते हैं। राहत की खबर। EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए UAN आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लिंक। कर्मचारी भविष्य संगठन निधि यानी EPFO ने EPF अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले इसकी तारीख 31 अगस्त थी। EPFO ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक यानी SI भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 13 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक होने वाली इस परीक्षा में कुल 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के अतिरिक्त 4 और जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग मुख्यालयों के अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा, अलवर और पाली जिलों में होगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। फ्लिपकार्ट का बम्पर डिस्काउंट। आईफोन 12 पर 12,901 रुपए तो आईफोन 12 मिनी पर 9,901 रुपए का फायदा। एक्सचेंज ऑफर का भी बेनिफिट मिलेगा। एप्पल 14 सितंबर यानी कल आईफोन 13 सीरीज लॉन्च कर सकती है। इस सीरीज की शुरुआती कीमत क्या होगी इसका पता लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इस बीच आप आईफोन 12 सीरीज को खरीदने का मन बना रहे हैं तब आपके लिए बेस्ट चांस है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट आईफोन 12 सीरीज पर धमाकेदार डिस्काउंट दे रहा है। इस डिस्काउंट के बाद आईफोन 12 सीरीज के मॉडल शुरुआती कीमत की बात करें तो 69,999 हो गई है। आईफोन 12 मिनी 69,999 रुपए में मिलेगा तो वहीं आईफोन 12 64 GB फ्लिपकार्ट पर 66,999 में मिल सकता है। आईफोन 12 128 GB की बात करें तो इस मॉडल को फ्लिपकार्ट 71,999 रुपए में दे रहा है। वहीं आईफोन 12 प्रो पर 128 GB वेरिएंट को फ्लिपकार्ट 115,900 रुपए में दे रहा है। इस फोन पर 15,000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिलेगा।